नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं जावेद अंसारी। कोरोना का लॉकडाउन दौर जारी है, शादी बारात पर पूर्णतः प्रतिबंध। फिर भी बीती रात यहां पर महाजन टोले में कुछ लोगों ने जबरदस्ती बगैर मंजूरी, हालांकि प्रशासन मंजूरी दे नहीं रहा, शादी करने की कोशिश की। पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस घर पहुंच गई। पुलिस के घर पहुंचते ही भगदड़ मच गई, सारे लोग भाग गए। पुलिस ने घर के मुखिया सुरेश साकेत को पकड़ा, उस पर कोरोना आपदा प्रबंध के तहत कार्रवाई की। आपको हम दिखाते हैं वीडियो वायरल, किस तरीके से वहां पर शादी हो रही थी, लोग बाग इकट्ठा थे, साथ ही पुलिस का क्या कहना है वह भी देखिए। शादी समारोह में कार्रवाई की गई है, क्या है? कल करीब रात को 10:30 बजे के आसपास नगर पुलिस अधीक्षक को अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का जरिए मुखबिर की सूचना उनको मिली थी कि महाजन टोला में जो आपकी हरिजन बस्ती है वहाँ पे एक परिवार में जो है शादी समारोह चल रहा है। उसकी तस्दीक के लिए हम लोग अपने स्टाफ के साथ जब पहुँचे तो वहाँ पे 30 से 40 लोग जो है काफ़ी मात्रा में इकट्ठे थे। उनको जैसे ही पुलिस पहुंचती तो भागदौड़ मचने का सब लोग भागने लगते हैं, जिसमें मुखिया को पकड़ा गया। मुखिया को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने कोई परमिशन लेना ना बताया, ना ही कोई परमिशन थी उसके पास। उसको थाना लाकर जो है उसके विरुद्ध जो है कोविड-19 उल्लंघन करने पर जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुखिया जो है सुरेश साकेत था, जो थाना लाया गया था और उसे इदारे का छोड़ा गया। कोई भी सूचना जानकारी नहीं दी गई थी थाने में? थाने में सूचना नहीं दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश मिले थे कि वहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।